क्या काली शक्तियां सच में होती हैं? बचाओ बचाओ देवराज सर को फोन नहीं कर सकते। अगर उन्हें अभी फोन किया तो वो सारी मीटिंग्स कैंसिल करके आ जाएंगे। फोन नहीं कर सकते। इतनी आवाजें आ कहां से रही है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। हेलो। उफ, आपका तो हेलो भी ऐसा लगता है जैसे दूर कई वादियों में कोई स्वीट सा म्यूजिक बजा रहा है। बाय द वे, मेरी मीटिंग खत्म हो चुकी है और बहुत अच्छी रही, और दूसरी मीटिंग फिनिश करते ही मैं सीधा आपके पास। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कृष्णा, सब ठीक तो है? क्या हमें देवराज सर को बताना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, खामखाई ने क्यों परेशान करे। कृष्णा, हाँ सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। हम तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, वो कार्ट में डाल रहे थे सारी चीजें, कि इस कमरे में ना अभी और चीजें डालने की जरूरत है। देखते ही लगना चाहिए ना कि ये हमारा कमरा है। वो तो है, लेकिन प्लीज अभी खरीदना मत, सिर्फ कार्ट में रखिए, आके मिलकर डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। अच्छा सुनिए, मेरा ना कुछ मीठा खाने का दिल करा था। तो फिर कुछ होटल से ऑर्डर कर लीजिए ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ और। तो फिर कौन सा मीठा? कैस कीजिए। थप्पड़ दें आपको एक। समझ गया। क्या? मिलके, है ना? है ना? देखेंगे। ऐसे कैसे? अरे बोला ना पहले, आप घर आइए फिर देखते। ओके, मैं समझ गया, मैं बस मीटिंग खत्म करके फौरन वहां पहुंच रहा हूँ। बाय बाय। ओके बाय। बचाओ बचाओ, टंकी साफ करो। मैंने ऊपर जाकर टंकी चेक किया, पूरी टंकी में लाल पानी है। मैं ये कैसे हो सकता है? ये सब इस कृषा की वजह से हो रहा है। वजह से हुआ, पता नहीं कौन से ढोंगी बाबा को लेके आई थी। आई तो थे शांति की पूजा करने के लिए, लेकिन अशांति फैला गई इस घर में। और नहीं तो क्या, पूरे महल का सबसे मनहूस कमरा खुलवा दिया उस बुड्ढे ने। तुम लौट कर आई क्यों? वापस चली क्यों नहीं जाती अपने माँ बाप के घर? हम क्यों जाएं यहाँ से उग्रा? वो ये हमारा भी तो घर है, हम इस घर की बहू है, देवराज सिंह राठौड़ की पत्नी। आप ये सब उन्हें क्यों नहीं कहती? इस घर में सीसीटीवी कैमरास है ना, तो आप प्लीज ऊपर जाके चेक करवाइए ना कि पानी की टंकी के साथ किसने छेड़छाड़ की है। हाँ हम चेक करवा देंगे। पता नहीं इस घर में लोग समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय सब लोग उस इंसान को क्यों ढूंढते जिस पे इल्जाम लगाया जा सके। परफेक्ट। हमारा मतलब है कृषा का सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। किसी के पास अगर परफेक्ट जवाब हो तो दे दो। चलो नैना। चलो रति, हमारी हर्बल ग्रीन टी ठंडी हो रही है। पेंट नहीं है, असली खून है। कौन इतना पागल होगा जो अपने खून से एक शीशे पे लिखेगा? देखिए, इस घर में कुछ भी गलत होता है सबसे पहले शक मुझ पर ही आता है। तो ये लीजिए, देखिए
मेरे हाथ एकदम नॉर्मल है, कोई कट नहीं लगा है। चाहो तो मेरी पूरी बॉडी चेक कर लीजिए। मैं एक एक कमरे की तलाशी लूंगा। गुनेगार चाहे जितना भी साथ है क्यों ना, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। क्या बकवास है ये? तो आज हमें अपने ही घर में अपने कमरे की तलाशी देनी पड़ेगी? मैं नहीं करने दे रही। मेरे कमरे की तलाशी नहीं होगी, दैट्स इट। और मुझे रोकेगा कौन? और शुरुआत वामिका के कमरे से होगी। नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, उस सेफ में कुछ नहीं है, मेरे सभी पेपर से थे। अभी दीजिए। ये सब क्या है? ये तो महल की अमानत, उसका खजाना है। ये सब यहां क्या कर रहा है? अपने घर में चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं बेटा, बस आपकी झुकी हुई नजरें और लड़खड़ाती जबान सब बयां कर रही है। वो सोने की चेन मेरी है। क्या आपका है और क्या नहीं, ये जय हम आते करेंगे। सुबह तक तो सारे पौधे एकदम ठीक ठाक थे और अचानक सारे पौधे मुरझा गए, ऐसा कैसे हो सकता है? पौधे तो मेरे कमरे के भी मुरझा गए। अब इसके लिए भी किसी की तलाशी लोगे क्या देवराज? नहीं, पता लगाने के लिए कि इन मुरझाए हुए पौधों के पीछे आखिर हाथ किसका है। ए भाई, अब भी नहीं मानोगे आप कि उस दरवाजे की खुलने की वजह से वहाँ की काली शक्तियाँ आजाद हो गई हैं। हमने पहले ही कहा था देव कि ये काम किसी परिवार वाले का हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी थी। ये सब जो कुछ हो रहा ना, ये कि बहुत गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत था उस दरवाजे का खुलना। अब इस गलती का भुगतान पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। कितने ताजा फूल थे ये, और अब देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई काला साया पड़ गया उनके ऊपर। बहुत अजीब सा लग रहा है हमें देवराज सर, कहीं सच में किसी काली शक्ति का काम तो नहीं है ये? कृषा, ये किसी काली शक्ति का काम नहीं है, बल्कि किसी की काली करतूत है। कोई तो है जो ये साबित करने पे तुला है कि ये कमरा खुलने के बाद इस घर में मनुष्य छा गई है। कोई तो है जो ये चाहता है कि सबका ब्लेम आप पर आ जाए। सब आपको इस महल से बाहर भगाने की साजिश है और कुछ नहीं। देवराज सर, ये देखिए, ये पौधा तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर, कि अगर ये काली शक्ति की वजह से हुआ था तो ये पौधा नहीं बचता। कृष्ण, अब अभी इस महल में सेफ नहीं है। आप ऐसे कीजिए, मेरे साथ ऑफिस चलिए और मैं पता लगा कर रहूंगा कि सबके पीछे कौन है। वो नहीं चाहते कि हम खुश रहें। डोंट वरी, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। ओके, आप हेलो हेलो, ये कॉल कैसे कट गया? दोबारा करता हूँ। फोन को क्या हो गया? नॉट रीचेबल। हेलो, नेटवर्क भी क्यों नहीं? ये पैरों के निशान, ये कहाँ जा रहे हैं?
श्यामा को कॉल करता हूँ। कभी नॉट रिचेबल जा रहे प्रतिभा को कभी नॉट रिचेबल जा रहे लैंडलाइन पे करता हूं। ये भी नॉट रिचेबल सारे के सारे फोन नॉट रिचेबल क्यों आ रहे हैं? ये तो वामिका का कमरा है। कहीं कृष्णा किसी मुसीबत में तो नहीं है? चेक करता हूं। प्लीज अब जानती है मैं इन काली शक्तियों में विश्वास नहीं रखता। ये घर के किसी इंसान का काम है। ठीक है मान लेते हैं कि किसी इंसान ने किया है लेकिन हर इंसान से कोई ना कोई गलती जरूर होती है और वो कोई सबूत पीछे जरूर छोड़ता है तो वो सबूत क्यों ना ढूंढे हम लोग। मैं पता लगाता हूं। राघव का किया धरा है। ब्रिलियंट। अब आगे क्या करना है ये आप हमसे सुनिए। अब सारा ब्लेम कृषा पे जाएगा और वो इस महल से आउट। ये तो वही धागा जो हमने आपके और कृषा के पैर में बांधा था। कृषा आप हमारे कमरे में क्या कर रही थी? कृषा वो देखा सर हमने देखा कि अभी शायद वो हमारे पैर से खुल के गिर गया होगा। आप झूठ बोल रही हैं। ये सब आप ही ने किया है ना हमें फंसाने के लिए। आपने जानबूझ के बॉटल हमारे कमरे में रखी ताकि देव का सारा शक हम पर जाए और वो हमें इस घर से बाहर निकालते। कृषा अगर आप पर इतना ही बड़ा हमला हुआ था तो आप चिल्लाई क्यों नहीं? किसी ने भी आपकी आवाज नहीं सुनी। कृषा इस महल में रहने की इजाजत वामिका को देव ने दी थी। अगर आप इस बात से सहमत नहीं थी आप देव से बात कर लेती। ऐसे ये सब करना कृषा ये ठीक नहीं था। कृषा ये आप ही कहे ना। एक पल के लिए तो हमें लगा था कि आप पुराने वाले देवराज सर की तरह हमसे फिर से सवाल करेंगे लेकिन आज आपने दिखा दिया कि आप अपने किए हुए वादे को निभा भी रहे हैं और आप हर कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं। कृषा मैंने आपके बिहारी जी से ये वादा किया था कि मैं आपका साथ मरते दम तक निभाऊंगा। ये कैसे हुआ?
कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोच है। ठीक है, हम कृषा यहाँ पर हुए अटैक का सबूत है, मुझे पक्का यकीन है ये घर में से किसी इंसान ने किया। लेकिन इस बार हमला सामने से नहीं छिपके किया है। आप चिंता मत कीजिए, इस सबके पीछे जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। ओके, लेकिन कैसे? कृषा ठीक है? थे भाई, उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान करे कृषा को कुछ ना हो, बजरंगबली उसकी रक्षा करे बस। हाँ, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा। देखिए कृषा पूरी तरह से ठीक तो नहीं, अभी अभी नींद आई है, सो रही है वो। बस बहुत हुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। राकेश, अजय, हुकुम का सामान उस कमरे से निकालकर फौरन उनके पुराने कमरे में ले जाइए, अभी इसी वक्त जाइए। ठहरो, देवराज, तुम्हें और कितने सबूत चाहिए ये यकीन दिलाने के लिए कि उस कमरे में काली शक्तियां हैं? हमें तो ये डर लग रहा था कि अगर ये हादसा हमारे साथ हुआ होता तो, हमारा मतलब है कि अगर ये हादसा कृषा के साथ या आपके साथ दोबारा हो जाए तो हम क्या करेंगे? देव भाई, अब जयमा की बात मान लीजिए, प्लीज किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाइए। हाँ देवराज, आज जो कुछ भी कृषा के साथ हुआ है उसे उबरने में उसे कितना वक्त लगेगा, हम दोबारा से उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। देवराज, तुम दोनों वो कमरा अभी खाली कर दो। अजय लक्ष्मी, हमें राज पुरोहित को बुलाकर अभी वो कमरा बंद करवाना होगा। मैं वो कमरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। देवराज, आज जो हुआ आप उसके बाद भी उस कमरे में रहने की जिद कर रहे हैं? अब भी आप यही सोच रहे हैं कि वो कोई काली शक्ति नहीं, किसी घर के इंसान ने कुछ किया? जयमा, मैं काली शक्ति को यहां से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो फिर अब भी उस कमरे में क्यों रहना चाहते हैं देव? क्योंकि इस कमरे को खोलने का और उसमें रहने की जिद करना ये मेरी गलती थी। कृष्णा और मेरी वजह से वो मनहूस शक्ति इस महल में तबाही मचा रही है, ये सब मेरी और कृष्णा की वजह से हुआ है। इस घर में हो रहे हादसे की वजह मैं और कृष्णा ही है और कोई नहीं, इसलिए कमरा बदल से कुछ नहीं होगा जयमा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि वो काली शक्तियां घर में किसी को नुकसान पहुंचाए मैंने फैसला कर लिया, मैं और कृष्णा उसी कमरे में रहेंगे, वहां से बाहर नहीं जाएंगे। उस कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा, अगर गलती हमारी है तो सजा भी हम ही भुगतेंगे। अरे ऐसे कैसे पड़ जाता? क्योंकि आपका दिल तो मेरे पास है, एप्पल। तो फिर आपको पड़ जाता? मुझे कैसे? क्योंकि आपका दिल हमारे पास है। कोई सुन लेगा। वैसे आप हमें डरा क्यों रहे थे? मैंने ना बहुत देर वेट की कि कोई तो भूतिया एक्टिविटी हो, लेकिन हुई नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हमने जो सुबह किया ना आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ऐसा करते हैं, आपको एक्टिंग में ना इंटरनेशनल अवार्ड दिलवा देते हैं। अच्छा, अवार्ड्स क्या राजमहल से अप्रूव होकर जाते हैं? शायद। हमारा शक सही निकला, ये सब कुछ कृष्णा और देवराज का ही किया जा रहा है। इन्हें क्या लगा था दूसरों की तरह ये जयलक्ष्मी को भी झांसा दे देंगे? हो ही नहीं सकता। लगता कोई है? भाभी प्लीज अंदर मत आइए। देव भाई, मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आई थी और साथ में आपके लिए आइस टी और कृषा के लिए जूस। दीजिए। थैंक यू। कृषा कैसी है आप? ठीक है। मैं एक बार देख लूं। मैं एक बार मिल सकती हूँ? नहीं भाभी, अब मैं आप में से किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज समझे।
ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अपने ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है, ये सब कब खत्म होगा? जल्द, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा कृषा, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद पता लग जाएगा इस सबके पीछे कौन है। ये लीजिए, पहले जूस पीजिए। वेरी गुड, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं देवराज सर, हमें ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हम सो जाते हैं। खाने से पहले ही नींद आने लग गई आपको? देवराज सर, इतनी देर से बिस्तर में पड़े हैं, शरीर ना ऐसा थका थका सा लग रहा है जैसे कि शरीर में जान ही ना हो। एक काम करते हैं, हम मुंह धो के आते हैं और फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ओके, आइए। ये देखिए, ये रही इस घर की काली शक्ति। एक बात मैं सबको बता दूं कि ये पहली बार है जो मैंने इस काली शक्ति के भेष का सहारा लिया है। इसके पहले इस महल में जो भी हो रहा था, छत से खून टपकना, फूलों का मुरझाना, कृषा का घसीट कर ले जाना, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने कैसे कुछ? मैं इस घर का काला साया नहीं हूं, ये सिर्फ पहली बार है जो मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी अमानत थी जो जयलक्ष्मी के कमरे से मुझे लेनी थी। ये वही जेवरात है ना जो तुम मेरे कमरे से निकाल कर ले गए थे? बस यही लेने गया था मैं। तो मुझे पता था कि ऐसे जाऊंगा तो कोई मेरे आसपास आएगा नहीं, आया भी तो हल्का सा डरा दूंगा, भाग जाएगा जैसे हुआ था। बस तब तक जब तक ये देव अपने कमरे में सो रहा था। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मेरे पास तो छुपाने को बचाई क्या देव, इन सबके सामने नंगा हो ही चुका हूं ना मैं, और क्यों कुछ छुपाऊंगा? मेरा यकीन नहीं है ना। चलो मेरे साथ जयलक्ष्मी के कमरे में, दिखाता हूं तुम्हें कि इन असली जेवरात के बदले में जो नकली जेवरात मैंने वहां छुपाए हैं। ये सब हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था कृष्ण, मैं तो ये सब आपको बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुश्किल हमारा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है कृष्ण, अगर आपको कुछ हो गया तो कृष्ण प्लीज आंखें खोलिए, अब एक बार मुस्कुरा के मेरी तरफ देख लीजिए, कह दीजिए ये सब मजाक था, आपके प्लान का हिस्सा था। कृष्ण, कृष्ण एक बार कह दीजिए कि सब प्लान था, क्या आप मजाक कर रही थी? काश काश हम कह सकते हो देवराज सर की
कि ये सब कुछ मजाक है। अगर हमें सच में वो काली शक्ति दिखाई दे रही है, देवराज सर, कहीं हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या फिर किसी भूत ने हमें पकड़ लिया हो, वो हमें मार डालेगा, इस डर से हम नहीं जी सकते। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा कृष्ण। थोड़ी देर सबके साथ बैठेंगी ना तो बेटर फील करेंगी। ओके आइए। कृष्ण कृष्ण आप ठीक तो है ना? कृष्ण बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताना। हाँ एक बार में ही टपक क्यों नहीं जाती है? मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। हमसे झूठ बोलने चले थे ये दोनों, हमारे सामने नाटक कर रहे थे, नाटक को हकीकत बना दिया तो हाल बेहाल हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो एक पति को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए। नहीं, पत्नी के पांव दबाने से पाप लगता है। पर अगर पत्नी की सेवा करने से पाप लगता है तो लगता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं, हमें पाप लगेगा। फिर तो और भी सही है। अब जब भी आप मुझसे झगड़ा करेंगी ना, आपको ऐसे ही पाप लगता रहेगा, क्योंकि मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। छोड़िए, कितने बुरे हैं आप। पर कभी मेजर करके नहीं देखा मैं। कृषा, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने बिहारी जी को कह के ना ये स्कीम पूरी बदलवाई दीजिए कि पति को पत्नी की सेवा करने से नहीं बल्कि सेवा ना करने से पाप लगेगा। ठीक है, नरक भेजना चाहते हैं आप हमें? वेल, स्वर्ग नरक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है जहाँ आप जाएंगे वहां मुझे पाएंगे। मैं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर समय आपका पीछा करते करते आपको ढूंढ ही निकालूंगा। पक्का? कोई आया? और वामिका का एक साथ गायब होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ना हो, कृष्णा के गायब होने में वामिका का ही हाथ है। नहीं दे, हमें याद आया, वामिका ये कह रही थी कि उनके कुछ दोस्त आए हुए हैं ईशापुर से, इसलिए वो उनके साथ बाहर जाना चाह रही थी पार्टी करने के लिए, और इस वक्त महल में जिस तरह के हालात हैं वो उन्हें यहाँ बुलाना नहीं चाह रही थी। वो ये भी कह रही थी कि शायद कुछ ड्रिंक व्रिंक करने का प्लान है और थोड़ी सी देर हो जाएगी तो उनके दोस्त ही उन्हें यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देव, आप क्यों नहीं मानना चाह रहे? ये घर के किसी इंसान का नहीं किया है, ये उन्हें काली शक्तियों का असर है। क्यों? जयमा, वो कृष्णा ने भी तो देखी है ना देव। जयमा, मुझे वामिका पर भरोसा नहीं है। पता लगाइए वो पार्टी करने कहां गई है। मैंने पता लगा लिया, वामिका की कार यहां नहीं, इसका मतलब ना ही वो ड्रिंक करने गई है ना ही पार्टी। और अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं। पता था मुझे। कहां गई है ये लड़की और ये हमेशा हमसे झूठ क्यों बोलती है? वारिस, वारिस, जी हुकुम। मामिका मैडम की गाड़ी कितनी देर पहले गई? यही कोई 20 मिनट पहले गई हो। उतनी देर पहले मैंने कृष्णा को आखिरी बार कमरे में देखा था। क्या राजकुमारी कृष्णा मामिका के साथ थी? ध्यान से देखा नहीं हुकुम।